गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्न अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स ऑफ चैप्टर नंबर 4. ओके, फर्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज. मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स. लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैटर्स क्या होते हैं एंड नॉन मैटर्स क्या होते हैं. आज हम लोग पता करेंगे इसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल की. फर्स्ट इज स्टेट. ऑल मैटर्स आर फाउंड ओनली सॉलिड स्टेट. ठीक है, जितने भी मैटर्स होते हैं वो कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में. बट एक्सेप्शनल केस आता है इसमें. एक्सेप्शनली क्या होता है? मरकरी. बट मरकरी, इसको HG करके नोट डाउन करते हैं. एक्चुअल में क्या है, जो हमारे पीरियोडिक टेबल्स में जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने इनके नेम लिखे थे, केमिकल्स सिंबल्स राइट डाउन करे थे. बट क्या हुआ, कुछ कुछ क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, है ना. कुछ कुछ नाम आपस में मिल जाते हैं, जैसे कार्बन और कोबाल्ट मिल जाते हैं. तो कार्बन का सी लिया, उसका CO लिया. तो इसी तरह से हम लोगों ने कुछ ऐसे ही, बट इसमें क्या हुआ कि मरकरी का जो HG इसलिए लिया है क्योंकि इसका फर्स्ट और सेकंड सिंबल तो ये मिल ही नहीं रहे नंबर्स, तो ये क्या हुआ, अल्फ़ाबेट्स मिलते नहीं है. इसका जो लैटिन वर्ड्स में नेम था उसका फर्स्ट और सेकंड लेटर हम लोगों ने लेकर इसे HG से डिनोट करते हैं. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो कि हमारा स्टेट्स हैं, पता है ना, स्टेट्स थ्री होते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, ये सबको पता है. हम लोग छोटी क्लासेस में इस बात को पढ़कर आए हैं. ठीक है, तो जो मैटर्स होते हैं वो कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में. कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में. बट एक्सेप्शनल केस में हम लोग पढ़ते हैं जो मरकरी होता है, दे फाउंड इन लिक्विड स्टेट. क्या होता है ये, कौन सी फॉर्म, ये कौन सी स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में. यस या नो? हाँ, हम लोगों ने देखा है. अगर आप लोगों ने थर्मामीटर देखा होगा, ठीक है, थर्मामीटर होता है, उसके ये मिड वाली कैनाल्स होती है, इसमें क्या होता है, मरकरी फिल होता है. और आपने देखा होगा मरकरी जैसे ही, अगर सपोज ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है यहाँ से, तो ये क्या है, जो मरकरी होती है वो ऐसे छोटे छोटे बॉल्स के रूप में डिवाइडेड होकर फटाफट से इवेपोरेट हो जाती है. थोड़ी देर बाद आप उसे देखोगे, वो आप उसे जैसे ही हाथ लगाओगे वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाती है वैसे, और डिवाइडेड पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होगी और फिर वो इवेपोरेट हो जाएगी. ठीक है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं मैटर्स में कि ये कौन से होते हैं, सॉलिड स्टेट में. बट क्या होता है, एक्सेप्शनल केस पढ़ रहे हैं हम. तो मरकरी कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में. कौन सा होता है? लिक्विड स्टेट में. नेक्स्ट वन है आपका कलर. क्या है? कलर. हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं. फिजिकल का मीन्स होता है कि हम ऊपर से देख कर ही हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें ये क्या है, मैटर्स है या नॉन मैटर्स है. तो कलर भी उसमें आएगा, हम लोग देख कर ही बता सकते हैं कि मैटर्स का कलर कैसा होता है. जनरली मैटर्स कौन से कलर के होते हैं? मैटर्स आर ग्रे इन कलर. कैसे कलर में होते हैं? ग्रे इन कलर में. कैसे होते हैं? ग्रे कलर में. आप देखो उसके बाद में हम लोग जैसे ही इसको कलर करते हैं तो वो अलग अलग कलर में आते हैं, पर जनरली वो हम लोगों ने देखा है ये कौन से कलर में होते हैं? ग्रे कलर में. कौन से कलर में? ग्रे कलर में. इसके बाद में आता है आप लोगों का डक्टिलिटी. किसके बारे में आता है? डक्टिलिटी. क्या होता है डक्टिलिटी? हम लोगों को पता है डक्टिलिटी किसे कहते हैं. इफ यू ड्रॉन
a metal and it convert into a wire. किसमें चेंज हो जाएगा? वायर में. क्या है डक्टिलिटी का मीन्स? क्या होता है कि अगर हमारे पास में कोई मेटल है और हमने उसे प्लायर की हेल्प से, किसकी हेल्प से? प्लायर की हेल्प से हम लोगों ने इसको खींचा है, ड्रॉन इट किया है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वायर में. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वायर में. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी. नेक्स्ट वन आता है आपका फोर्थ, मैलेबिलिटी. मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी किसे कहते हैं? विद द हेल्प ऑफ हैमर. किसकी हेल्प से? हैमर. हैमर मींस होता है हथौड़ा, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ हैमर मेटल आर बीटन, दे कन्वर्ट इंटू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो शीट में. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? शीट में. किसमें कन्वर्ट होगा? शीट में. जो आप लोगों की शीट्स बनती हैं आयरन की, वो इसी वाले प्रॉपर्टीज से बनती है, मैलेबिलिटी. किस प्रॉपर्टीज से? मैलेबिलिटी. विद द हेल्प ऑफ अ हैमर, हैमर की हेल्प से हम मेटल को बीटन करेंगे, उसको तो क्या करेंगे, मारेंगे, तो वो क्या करेगा? दे कन्वर्ट इंटू अ शीट. दे कन्वर्ट इंटू अ शीट. ये आप लोगों की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है फोर. ये एक्चुअल में ये 11 प्रॉपर्टीज हैं. आज हम लोगों ने फोर प्रॉपर्टीज पढ़ी है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगेन हम लोग क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. थैंक यू.